साल 2002 में इंडियन इकॉनमी 500 बिलियन डॉलर की थी। साल 2007 में इंडियन इकॉनमी 1 ट्रिलियन डॉलर की हुई। साल 2014 में इंडियन इकॉनमी 2 ट्रिलियन डॉलर की हुई। जब इंडियन इकॉनमी 2 ट्रिलियन डॉलर बनी थी, तब 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने इंटरिम बजट के दौरान कहा था कि इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, आने वाले 30 सालों में इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। मतलब कांग्रेस ने इंडिया को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाने का टारगेट 2044 का रखा था। आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन अ विजन फॉर द फ्यूचर। I wonder how many have noted the fact that India's economy, in terms of the size of GDP, is 11th largest in the world. There are great things in store. There is a well-argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the third rank after the US and China. पर कांग्रेस का ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि 2014 में बीजेपी पावर में आ गई और फिर उसके बाद इंडिया 2014 से 2018 तक वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी बना था और 2019 में इंडिया 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन गया था। फिर उसके बाद पेंडेमिक आया, भारत की ग्रोथ रेट गिरी, पर फिर 2022 से भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी बना हुआ है और इस साल भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा। तो भारत की फास्ट ग्रोथ को देखते हुए बीजेपी का कहना है कि वो 2044 में नहीं 2027 में भारत को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बना देगी। कैसे, आइए जानते हैं। उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात, ये इनकी सोच। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कहकर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बीजेपी भारत को जल्दी से वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाएगी। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत की ग्रोथ की शुरुआत 1991 से हुई थी, जब उस समय भारत सरकार ने LPG रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, पर फिर उसके बाद इंडियन इकॉनमी को बूस्टर शॉट मोदी एरा में मिला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ 2014 में इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड 11th लार्जेस्ट इकॉनमी थी, वहीं आज 2024 में इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है। यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया। 2014 में जब इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड की 11th लार्जेस्ट इकॉनमी थी, तब कांग्रेस ने कहा था कि आने वाले 3 decades यानी कि आने वाले 30 सालों में इंडियन इकॉनमी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। जहां कांग्रेस का टारगेट भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनाने का 2044 था, वहीं बीजेपी का टारगेट इंडियन इकॉनमी को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बनाने का 2027 है, कांग्रेस के टारगेट से 17 साल पहले। वहीं 2047 तक तो बीजेपी ने भारत को डेवलप कंट्री बनाने का टारगेट सेट किया है। देखो, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ऐसे ही इलेक्शन में पब्लिक वोट्स के लिए कुछ भी बोल रही है। IMF ने भी कहा है कि भारत 2027-28 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा और साथ में एक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी होगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि 2014 में और 2024 के वर्ल्ड इकॉनमी के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2014 में जापान और जर्मनी रिसेशन में नहीं जाने वाले थे, पर 2024 में जापान रिसेशन में जा चुका है, उसकी GDP गिर रही है, वहीं जर्मनी भी रिसेशन में जा सकता है। तो इसी के चलते इंडिया जल्दी से 2027 में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। तो देखो, शायद आपको ये पता नहीं है कि जापान की इकॉनमी पिछले 30 सालों से एक ही जगह पे रुक सी गई है। 1990s में भी जापान की GDP 5 ट्रिलियन डॉलर की थी और आज भी जापान की GDP 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड ही घूम रही है। तो जापान का केस ही अलग है। वहीं जर्मनी की बात करें तो 2014 में उसकी GDP 3.8 ट्रिलियन डॉलर थी और अभी 4.4 ट्रिलियन डॉलर हुई है। पिछले 10 सालों में जर्मनी की GDP सिर्फ 600 बिलियन डॉलर बढ़ी है, वहीं भारत की GDP 2 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। तो पिछले 10 सालों में जापान और जर्मनी तेजी से ग्रो नहीं हुए हैं, भारत तेजी से ग्रो हुआ है।
और रही बात रिसेशन की, तो 2024 में जापान में रिसेशन आया है और जर्मनी रिसेशन फेस कर सकता है इसकी 100% श्योरिटी नहीं है। तो अपने आप को खुश करने के लिए आप लोग मान सकते हैं कि भारत बीजेपी के अंडर ग्रो नहीं किया है। जर्मनी जापान के डाउनफॉल के चलते ही भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, जबकि रियलिटी यह है कि पिछले 10 सालों में भारत ने इन दोनों देशों के मुकाबले तेजी से ग्रो किया है। और यही बात ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने भी कही है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली। उनका मानना है कि पिछले 10 सालों में भारत बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हुआ है। कमिंग इन राइट नाउ, रिंगिंग एंडोर्समेंट ऑफ मोदीज एंड इंडियाज राइज अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज regime. Latest Morgan Stanley report hails India story. Morgan Stanley says India transformed in the last 10 years. This India is different from what it was in 2013. Sounds like something you often discuss with family and friends. Well, that's exactly what the latest Morgan Stanley report suggests as well. देखो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो देश में चल रहा है वही बता रहा हूँ। और मैं अपने वीडियोस में ज्यादातर वही डेटा और रिपोर्ट आप लोगों को बताता हूँ जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा निकाली गई होती है, जो ऑथेंटिक होती है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, मॉर्गन स्टैनली। मैं उन न्यूज आर्टिकल को नहीं दिखाता हूँ जो प्रोपेगेंडा करने में सबसे आगे होते हैं, क्योंकि ये लोग सरकार की बुराई के साथ साथ देश की बुराई भी करने लगते हैं। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारत इतनी जल्दी कैसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो देखो IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे रिफॉर्म लिए हैं, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम हो रही है और भारत की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। इसके अलावा IMF ने कहा कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, ब्रिजेस बनवा रही है, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रही है और इससे इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। IMF ने कहा कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ने से भारत तेजी से ग्रो हो रहा है। IMF ने कहा कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी आ भी जाती है तो भारत के पास खुद ही इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों की मार्केट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा IMF ने कहा है कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। इसके अलावा IMF ने भारत सरकार की डिजिटलाइजेशन की बहुत तारीफ की है। IMF ने कहा है कि जिस तरह भारत ने डिजिटलाइजेशन का यूज किया है, पूरी दुनिया को इसे सीखने की जरूरत है, चाहे वो कोविड के समय वैक्सीन लगाना हो या UPI हो या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हो। तो इन्हीं सब रीजंस के चलते भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को बीट करके वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वैसे अब पी चिदम्बरम का कहना है कि इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया रिच हो जाएगा। तो देखो चिदम्बरम जी यहाँ पे भी गलत है। गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि जब भारत 2027 में वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तब 10 करोड़ इंडियन की इनकम $10,000 से ज्यादा होगी। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाले 10 सालों में भारत में हाउस होल्ड की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 2021 में भारत में 38% लोग सालाना $5,000 से कम कमाते हैं, 36% लोग $5,000 से $10,000 के बीच कमाते हैं, 24% लोग $10,000 से $35,000 के बीच कमाते हैं और सिर्फ 2% लोग ही भारत में सालाना $35,000 से ज्यादा कमाते हैं। पर 2031 तक इसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। भारत में लोगों की इनकम तेजी से इंक्रीज होगी। $5,000 से कम कमाने वाले लोग 13% होंगे, $5,000 से $10,000 के बीच 34% लोग होंगे, $10,000 से $35,000 के बीच कमाने वाले 46% लोग हो जाएंगे और 35,000 से ज्यादा कमाने वाले लोग 7% से ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे इंडिया में पॉवर्टी भी कम होती जाएगी। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने से पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने ऑफिशियली एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है। तो इससे एक चीज साफ समझ में आती है कि अगर भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा तो भारत रिच भी होगा। और ये एक कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को गलत ठहराना है तो कम से कम लॉजिक और कॉमन सेंस का तो यूज कर लो। पर देखो एक बात ये भी है कि भारत का असली कंपटीशन 2027 से शुरू होगा, जब उसके आगे चाइना और USA होंगे। पर उनको बीट करने के लिए भारत को सबसे पहले $10 trillion की इकोनॉमी बनना होगा और $10 trillion इकोनॉमी बनने के लिए IMF के अनुसार भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके भारत
$10 trillion की इकॉनमी बनेगा और इसके लिए भारत को कम से कम नेक्स्ट 10 ईयर्स 7-8% के बीच भी ग्रो करना होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।